डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद ने शास्त्रीपुरम स्टेशन का निरीक्षण कर अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। डीजी फायर सर्विस का कहना है कि फायर विभाग के हर कर्मचारी को ड्राइविंग आनी चाहिए, जिससे किसी भी इमरजेंसी में गाड़ी को लेकर कोई भी रवाना हो सके। डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद ने रविवार को शास्त्रीपुरम स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान आग बुझाने के उपकरण देखने के साथ सक्रिय गलियों में आग बुझाने के लिए मिली बुलेट मोटरसाइकिल से मॉक ड्रिल कर कर्मचारियों को आग बुझाने के तरीके बताए। इसके साथ ही साफ सफाई देखी और बहुमंजिला इमारतों और हॉस्पिटल्स में फायर इंस्ट्रूमेंट लगे होने के साथ आग बुझाने के लिए एक्सपर्ट्स कर्मचारी रखने के आदेश अधीनस्थों को दिए गए। डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद ने अग्निशमन केंद्र शास्त्रीपुरम पर उपलब्ध आधुनिक उपकरण हाइड्रोलिक टूल्स, कॉम्बी टूल्स, कटिंग टूल्स, बिंदरिंग अप्रेस्ट के रखरखाव और प्रयोग करने की जानकारी दी। डीजी फायर ने कहा कि आग बुझाने के उपकरण हर समय कार्यशील होने चाहिए, जिससे किसी भी घटना के दौरान प्रयोग किए जा सके। शास्त्रीपुरम फायर स्टेशन पर कर्मचारियों के लिए भोजन व्यवस्था के लिए बनाए गए मैस बैरक स्टोर कार्यालय का जायजा लिया। ये चैलेंज और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हाई राइज बिल्डिंग बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इन्वेस्टिविटी के तहत लाखों लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो जितने तरह की आप केमिकल प्लांट, इंडस्ट्रियल प्लांट, बायोलॉजिकल प्लांट, जितने भी तरह की प्लांट आप पढ़ते सुनते हैं, हर तरह की आग लगेगी और वो मौका आपको नहीं देगी। तो कुछ बिंदुओं पर जिसपे हमारी पकड़ है वो तो है ही है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर हम लोगों को और मेहनत करने की आवश्यकता है। डीजी फायर सर्विस ने सीएफओ, सभी एफएसओ और कर्मचारियों के साथ स्टेशन परिसर में पौधारोपण भी किया। इस दौरान डीजी फायर सर्विस ने कर्मचारियों के कार्यों का भी निस्तारण किया। निरीक्षण के दौरान एफएसओ शास्त्रीपुरम अमर सिंह पाल, एफएसओ संजय प्लेस, सोमदत्त, अमर सिंह, सागर गुप्ता, लोकेंद्र सिंह, अमित बघेल, रामकेश गुर्जर के साथ अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।